फ्रेंड्स वर्तमान पुरी रे बुला बुली सरीगला एबे बाहरिलु बस माध्यम रे कोणार्क सूर्य मंदिर देखिबापई। फ्रेंड्स ए कोणार्क मंदिर रे कोण रहिछि रहस्य, एठी सूर्य देवतांको काहीं के पूजा करा जाए, धर्मपद काहीं के निजे पानी को डें के आत्महत्या कले, एही कोणार्क मंदिर केबे एवं कहा द्वारा निर्मित होइथिला। फ्रेंड्स एबे मो सहित जोड़ी है कि रुहंतु एही सब कथा जानिबापई आउ मो वीडियो टिकु शेष जाय निश्चिंत देखिबे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे, केमी लगला कमेंट करके जनइबे। फ्रेंड्स आम आसिक कोणार्क मंदिर सामने पहुँची गलु तो आपन को वीडियो माध्यम रे सब किछि देखेबु। देखंतु एटी झील वर्तमान कैप किणी पुओ मध्ये ता पसंद चश्मा किणुची खरापाई आइटम मध्ये रहिछि। तुम ये नब कि एड़ा भाई कत टा नौ आग पु गोट दिना पुना झीटा गोट दिखाई गोट दि तुम तक आगे देखा गोटे नौका न ना कथा कौन तुम। फ्रेंड्स कोणार्क मंदिर 1300 शताब्दी में निर्मित होता 1250 ख्रीष्टाब्द उत्कलर राजा थे गंगवंशी लांगुला नरसिंह देव तांकरी द्वारा ये कोणार्क मंदिर निर्मित होता। किंतु एत बड़ विराटकाय मंदिर किपरी निर्माण करते से ही समय तामें आग को जाणी। किंतु पुरी श्रीक्षेत्र मंदिर लांगुला नरसिंह देवंकर पिता बनई जानते कि फ्रेंड्स आपण मैंने जानते कि यही कोणार्क सूर्य मंदिर द्वापर युगर श्रीकृष्ण पुत्र शांब 12 वर्ष तपस्या करते सूर्यदेव को। फ्रेंड्स आज सका किसी खियाई गाड़ी तो आसलु आ चलतु टी दहबरा सका जलखिया कर दहबरा बहुत सुंदर भी देखा जा कलरफुल तो पानी फाणी टी व्यवस्था पी नवा पा। फ्रेंड्स यही कोणार्क सूर्य मंदिर ठारे श्रीकृष्ण पुत्र शांब कहीं 12 वर्ष तपस्या करते आपण मैंने किए जाथे हूँ तो कई जाणी नथिबे। फ्रेंड्स आपण मैंने ये कथा भी जानते निश्चिंत कि श्रीकृष्ण पुत्र शांब कुष्ठ रोग से पीड़ित थे आई कुष्ठ रोग मुक्ति पाइबापी से सूर्यदेव को आराधना करते 12 वर्ष तापर कुष्ठ रोग जाकि ठीक होता प्रभु श्री श्रीकृष्ण शांब को कुष्ठ रोग अभिशाप दे तो से अभिशाप कुष्ठ रोग हो जाइपाई से माने सूर्य मंदिर में 12 वर्ष तपस्या करते। काकुड़ी खिया चल देखो ये गरम हो एक्सेस गरम कैप लगे दे लगे फटो उठे श्रीकृष्ण पुत्र शांबर कुष्ठ रोग ठीक हो जाता। फ्रेंड्स यही कोणार्क मंदिर गढ़ी तोलिबा को 12 वर्ष बीती जाइला एवं 1200 कारीगर ये काम करुले किंतु 12 वर्ष बीती जीवा पर भी मंदिर दधि नौती संपूर्ण हो पार ना। ये कोणार्क मंदिर एत सुंदर कारुकार्य बना जा आपण मैंने जहाँ न देखिले विश्वास करें बहुत छोट छोट चित्र आकृति रही मंदिर चारिपटे आउ भाला बेलू तो सेत कारीगर थे बहुत आश्चर्य लगुच सब जिन देखला बेलू आम बर्तमान कोणार्क मंदिर फ्रंट्रे आसिक पहुँची गलु यही देखु किए कि हाथी उपर रही सिंह यही देखु ये सुंदर कारुकार्य पूरा टिक टिक निहाण मुनरे सब आंकी सेतर जो 1200 कारीगर काम कार्य कर सुंदर सुंदर कोणार्क मंदिर रे सब स्टैचू बनाया गया है। कोणार्क मंदिर दधि नौती कम 12 वर्ष पर पूर्ण हो पारानी तो से लांगुला नरसिंह देव रागी जाए कहिले आउ तुम द्वारा किछि हेई पारिबनी आउ मु तुम मानको 7 दिन समय दौची 7 दिन भितरे तुम्हें जदि कोणार्क मंदिर दधि नौती काम जदि पूर्ण न करि पारिबो
ताले तुम मानकर मुंड छेदन करा जीव। किंतु लांगुला नरसिंह देवंकर एही कथा सुनी बारश बढ़ई पूरा भांगी पड़िले और मने मने चिंता कले जदि आमे ए सात दिन भितरे काम पूर्ण न करि परिबा तो बारश बढ़ई को मुंड तो निश्चिंत कटा जीव। कारण राजा आदेश जेहेतु तो कई तो राजा आदेश को काटि पारिबेनि। फ्रेंड्स ये कूटी देखुं ये कूटी रू बारश कारीगर जो मैंने काम करुले ये पानी फाणी पीयती कारण से तो समुद्र लुणी पा थी समुद्र भी लग रही है कोणार्क मंदिर को तो ये कू द्वारा से मैंने पानी पीऊले। यही कोणार्क मंदिर बनवा समय सीमेंटर प्रयोग करण से ही समय सीमेंट ही ना आपण मैंने देखिपे यू पथर ये हूँ गोटिकिया पथर से ही समय जो बारश कारीगर कार्य करुले तो से मानक द्वारा निर्मित होता यही सब पथर मूर्ति आपण मैंने देखिपारत के बड़ बड़ सब रही पथर मूर्ति आउ ये कोणार्क मंदिर चंद्रभागा नदी कूल अवस्थित आपण मैंने एक जाथ नदी में ही पूरा कोणार्क मंदिर या उचार मंदिर किपर ताने जानते कि नहीं बाली ठूल करी बड़ बड़ पत्थर एवं लुहा प्लेट हाथी द्वारा ऊपर को टणा जाऊला तो से समय कथा ये से पत्थर एवं लुहा प्लेट गोटे पत्थर दि जाऊला खंडे लुहा प्लेट दि जाऊला आपन को से लुहा प्लेट मुझे देखेबी कारण भितर को तो परमिशन ना जीवापी तो बाहर को रही देखेबी आउ एथेर ए कोणार्क मंदिर एमती आकृति में बना जा सूर्यदेव रथ को देखिकी ये कोणार्क मंदिर लांगुला नरसिंह देव आदेश बना जाता सूर्य रथ में जतोटी चक अच्छी जतोटी घोड़ा अच्छी ये कोणार्क मंदिर से चक एवं से घोड़ा भी रही सूर्यदेव रथ को देखिकी सूर्य मंदिर बना जाता तो बर्तमान ये देश विदेश दर्शक आसिकी देखुंट कोणार्क मंदिर यही मंदिर मुंडी मारी विश्वमहाराण पुत्र धर्मपद ताकर बयस बार वर्ष बार वर्ष बयस कोणार्क मंदिर मुंडी तदी नौ पूर्ण कार्य कर मंदिर मुंडी मारिकी जो चंद्रभागा नदी थी से चंद्रभागा नदी को मंदिर ऊपर चढ़ी जाई से यही मंदिर नदी को डेई पड़ते और प्राण चली जाइला और ए दर्शक कहवा कथा भक्त मान कह कथा जे ये धर्मपदर आत्मा भक्त मैंने कांदुच जो बारश कारीगर ये कोणार्क मंदिर निर्माण करितर जड़े विश्वमहाराणा नामक श्रेष्ठ कारीगर थे सी मेन कारीगर थे कोणार्क मंदिर बनईबार जेतबले सात दिन समय दे लांगुला नरसिंह देव सात दिन रे कार्य संपूर्ण ना तुम मानकर मुंड कटा हो तो बारश कारीगर भांगी पड़ते और समय रे एक पुत्र जार नाम थिला धर्मपद सी आसिकी विश्वमहाराणा पाखे पहुँची थे और विश्वमहाराणा तांको पुत्र को कांदी कांदी सब कथा सुनाई थे आउ विश्वमहाराणा तांको पुत्र को यह भी कही लांगुला नरसिंह देव सात दिन समय दे सात दिन भितर जदि मंदिर मुंडी पूर्ण न हो पारा तो आम मान मुंड कटा हाँ विश्वमहाराणा प्रथम तांको पुत्र को चिन्ह पार ना पुत्र साथी रे बारीर बरकोली एवं गोटे कुकुर जहाँकि बापा से समय जो समय घरे रोते से समय से जानते से बरकोली स्वाद एवं कुकुर को जानते तो से कुकुर बरकोली द्वारा धर्मपद को चिन्ह बापा विश्वमहाराणा। ये फोटो लेना।
आहरी अनेक कि बाकी अच्छी जहाँकि भिड करपर्त आग को देखी आपण मान को देखु ये जो चक देखुं आपण भांगी भंगा जा कोणार्क मंदिर देखो ये चक एवं अख ये जेतबले यही चक्कर सूर्य किरण माध्यम पूर्व समय जापर यहीपरी कोणार्क मंदिर चारिपटे बारटी चक रही सातटी शक्तिशाली घोड़ा सूर्य मंदिर को टाणवार दृश्य रही सहित मंदिर चारिपटे सुंदर सुंदर मूर्तिर कारुकार्य एवं नर्तकीर कारुकार्य रही भांगी भुंगा गला देखिपे आमती आगु जो थिला सब जिनस देखापी आते ना भितर भी आपड़ जानते भी गोटे बाउंटन मैग्नेट थिला जहाँकि जो पत्थर माध्यम गोटे पत्थर एवं गोटे लुहा प्लेट सहित ए मंदिर से जोड़ा जा चक देखु आपण मैंने जानते ये हूँ सूर्य मंदिर चक आपण मैंने निश्चिंत आसी कोणार्क देखिथे ये सब जिनस जदि भी आसी ना तो निश्चिंत आपण मैंने आसिक देखने ये सब सूर्य मंदिर बनाही सूर्यदेवं रथर आकृति हिसाब से बना जा सूर्य मंदिर सूर्यदेवं जो रथ थिला तो से रथ को देख लंग लंग पत्थर ये सब बना जा सब लोग खड़ा हो जाए भाई आप सूर्य मंदिर में धूप लेना चाहिए आपका स्किन डिजीज नहीं होगा इसके बारे में आपको बताएंगे चलो ठीक है।
ये तो काम करते ठीक अच्छे कि मुंडी मारी जे 12 वर्ष पिला जे कि विश्वमरायण पुओ थिला तांगर नाम थिला धर्मपद आउ सी यही मुंडी की मारिकी सी ये डेई पड़ी ये नदी थिला मंदिर साइट रे ये भी सेतबेले समुद्र रे ही तैयारी होता 1200 वर्ष पूर्व जेतबेले एटा पानी जमी थिला तो ये कौन है ना बाली मंदिर जेतिके काम होतला उपर उपर से बाली चढ़ूला मंदिर उपर उपर को आउ से बाली माध्यम रे पत्थर सब उठा जाऊला उपर को हाथी द्वारा हाथी को बंधा है कि टणा जाऊला पत्थर सब से मंदिर उपर को टाणी 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 उपर को उठाऊ जो संपूर्ण मुंडी पाख को चलीगला कम से मुंडी टी कम्प्लीट कर पारे आप तो जानते इतिहास वर्णित अच्छी आ विषय सात दिन समय दे रजा आउ कह ना मुंड कटा हे जोबले जब मुंडी कम्प्लीट नहीं पारिबोनी ताले मुंड निश्चिंत कटा जीवो तो सही समय विश्व महाराणार पुत्र जने संतान पुत्र संतान जन्मित जन्म ग्रहण करथिले जार नाम थिला धर्मपद से धर्मपद एई मुंडी एई मंदिर रा मुंडी मारिथिले आ मुंडी मारिकी काले मारी सारा पर काले रजा जाणीदेवे गोटे 12 वर्ष 1200 बढ़ई मुंडी मारी पारे नहीं गोटे 12 वर्ष पिला मुंडी मारी तो से समय से 1200 कारीगर को बचेपी से आप देखिपे जो जो मंदिर मुंडी रही अग्रभाग रही अग्रभागर सी डे पड़ी यही चंद्रभागा नदी जहाँकि समय साइड रे चंद्रभागा नदी की से डे पड़ी जहाँफल मृत्यु होता आउ एबे सुना जाऊ से जो धर्मपदंगर जो जो समय मृत्यु होता आत्मा भी ये अमर रही कहते पर्यटक मैंने कहते आ नदी तो एवं ना ये सब बंद फंद हो जा प्राय 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस से नदी एवं घुचि जा समुद्र घुचि जा कोणार्क मंदिर भग्न अवस्था आउ देख ये बड़ बड़ पत्थर रही गोटे लुहा प्लेट एवं गोटे पत्थर सहित तो, ये सब ताबरू ताबरू थाक थाक करके करथिले बुझे कि आउ ये बाउंटन मैग्नेट रे रही कोणार्क मंदिर अग्रभागर से मैग्नेट से ब्रिटिश मैंने नहीं जा
मैंने आ विषय भाविला बेलू को मत आश्चर्य लगुच्छी इतने पुराणा मंदिर केमती आज भी से भग्न अवस्था पड़ी रही बहुत खुशी लगुच एम जिनस आमर भारत वर्ष भी रही ये नजीबापी पाखक करेन्टर व्यवस्था दि जाए करेन्ट दि जाए लोक गली छपी जाए हाथ मारिक भांगी मुंगा दूसरे से करेन्ट व्यवस्था कर देखिपे पाखक भी कहीं भी केवे जब कारण गली की गले करेन्ट फरेन्ट लगे से सब ये कर आपण मैंने देखिपारे कोणार्क मंदिर सब विभिन्न जगह आपन को बुल देखे आहरी जो ग्रह देवता सब ग्रह मंदिर जो बारश बढ़े काम करुले मंदिर तो से समय कौन करुले ग्रह मानने पूजा करुले तो से ग्रहर मंदिर से आगे अच्छी मुझे देखी से मंदिर दृश्य आ गोटे जिनस देखी आपन को चलतु तो आम टे मंदिर उपर को जीवा जो बाली भरा है बर्तमान जदि बाली खोल जा मंदिर टोटाली गली पड़ संभावना रही तो से पर्यटक पर्यटक मानक जावाई अनुमति ना आई पाखर ही रही देखुं आपण मैंने वीडियो मध्यम देखी तो आपण मैंने देखिपर ये जो बाली फाली जो भरा है खोल किसी ये थिला पूरा गवर्नमेंट तरफ बंद हो पी आ खोला हाँ नहीं के ना हेलो आपण मैंने देखुवे कमी लुहा प्लेट ये देखिए निश्चिंत देखा जा तो आपन को देखा जूम करी करी देखु जो लुआ प्लेट सब लिखी पारे आप देखुवे के मोटा मोटर लुहार सब बालान्स रही दि जाए पथर बाली खोलीदे मंदिर भुशुड़ी जीव टोटाल तो चलतु ए बर्तमान फेरबार भी समय हो गला तो आम सब पुणी धीरे धीरे जीवा जो मंदिर तक फास्ट कम स्टार्ट करने पूर्व से मंदिर जो पूजा करुले आम से मंदिर पाख पल सब भोग कुड़िया बिक्री हो देखते आप नवग्रह मूर्ति सब रही
क्या मंगल होगा तुम्हारा, आप ले गया सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह ये को ग्रह सूर्य तापरे ये तापरे तापरे बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु मैम आपण मैंने नवग्रह तो देखिले सब आणु दीप हि बस बस ये पा फाँ पि जहाँ पि ये बस नाई ना मार कौन ये आस ये आस ଏଇଠି ବସିପଡ଼ ଏଇଠି ବସିପଡ଼ ପାଣି ଫାଣି ପିଅ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ନବଗ୍ରହର ନବଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବାହାରି ଯିବି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼, ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼କୁ ପଳାଇଯିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜିର ଏ ପୁରୀ ଭିଡ଼ିଓ ୱିଥ୍ କୋଣାର୍କ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଇପାରୁନଥିଲା କିଛି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେସନ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ସାତଟା ଛଅଟା ପଚାଶ ହେଇଗଲାଣି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଠରଟା ପଚାଶ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼କୁ। ଏବେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସିଗଲି, ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟି ହେଉଛି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଠୁ ଭଦ୍ରକ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଟ୍ରେନ୍ଟି, ପୁରା ଏସି। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଆରାମସେ ବସିକି ଯାଆସ କରିପାରିବ, କାରଣ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟେସନକୁ ସେ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବି କହୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍। ଏବେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠୁ ପଳାଇଯିବି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।